हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रसारण बताऊंगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा प्रसारण किन किन विधियों द्वारा किया जा सकता है। प्रसारण से तात्पर्य होता है कि किसी संदेश सिग्नल को, किसी भी प्रोग्राम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो इसकी पहुंचाने की व्यवस्था होती है उसको हम संचार व्यवस्था कहते हैं। तो एक तरंग दूसरी, एक संदेश को दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा किया जाता है। किसी संदेश या सूचना को एक स्थान से दूरस्थ स्थान तक पहुंचाना प्रसारण कहलाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा किया जाता है। तो इसके प्रसारण की तीन विधियां हैं। नंबर एक है भूतरंग संचरण, संचरण कहते हैं। पहला है भूतरंग संचरण, नंबर दो है आकाश तरंग संचरण, और तीसरा है व्योम तरंग संचरण। ये तीन विधियां हैं जिनके द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण किया जाता है। तो पहले हम इसमें देखेंगे भूतरंग संचरण।
इस संचरण में पांच सौ किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज तक की विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रयुक्त की जाती है। वायुमंडल में सौरमंडल की ऊंचाई 12 किलोमीटर तक होती है। प्रयुक्त इस विधि में विद्युत चुम्बकीय तरंगे पृथ्वी सतह पर संचरित की जाती है। पृथ्वी द्वारा तरंगों की ऊर्जा का अवशोषण ये जाने के कारण अधिक दूरी तक संचरण नहीं किया जा सकता है। स्थानीय प्रसारण के लिए प्रसारण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें
लगभग 400 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक प्रसारण किया जाता है। तो क्योंकि पृथ्वी चालक होती है, इसलिए ये भूतरंग जो चुंबकीय तरंग होती है उनकी ऊर्जा का अवशोषण करती है, अवशोषण करने के कारण इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो ये ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पहुँचती। लिहाजा लोकल प्रसारण के लिए ये तरंगें ज़्यादा उपयुक्त होती हैं, ये विधि अधिक उपयुक्त होती है। दूसरा है आकाश तरंग संचरण। वायुमंडल में सौरमंडल की ऊंचाई मंडल की पृथ्वी सतह से ऊंचाई 12 किलोमीटर होती है। सौरमंडल से अपवर्तित होती है। जिनका अपवर्तन कोण अपवर्तित तरंग पृथ्वी की ओर आती है, अतः सौरमंडल किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सौरमंडल मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और यहां पर इसका एंटीना होता है इस तरह का, यहां पर ये सौरमंडल है, ये सौरमंडल, तो यहां से प्रकाश तरंग इस तरीके से जाती है और फिर ये ऐसे, तो यहां पर फिर ये एंटीना लगा रहता है इस तरीके से, तो ये है प्रेशी एंटीना। और ये है अभिग्रह।
तो इसमें क्षोभमंडल से ये अपवर्तित होते हैं, अपवर्तित तरंग जो होती है वो इसका आवर्तन कोण ज्यादा होता है, तो क्या होती है कि ये तरंग जो होती है वो पृथ्वी की तरफ आती आती है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर अभिग्रही लगा रहता है, अभिग्रही एंटीना होता है, वो इन तरंगों को प्राप्त कर लेता है। तो क्षोभमंडल के द्वारा भी हम तरंगों का संचरण कर सकते हैं। तो इस विधि में जो तरंग होती है वो ऐसा लगता है कि आकाश से आ रही, इसलिए हम इनको आकाश तरंगे भी कहते हैं। अब इस विधि से संचरण करने के लिए एंटीना को काफी ऊंचाई पर लगाया जाता है, तो एंटीना कितना लंबा होना चाहिए और कितनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, इसमें भी एक रिलेशन होता है। अभिग्राही एंटीना पर कितना होना चाहिए, जो इस विधि में प्रयुक्त एंटीना की लंबाई तरंग दैर्ध्य का एक चौथाई होता है। यानी कि एंटीना की लंबाई इक्वल टू लैम्डा बाई 4। जैसे मान लो लैम्डा का मान 3 मीटर, तो एंटीना की लंबाई 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रसारण दूरी में संबंध, जैसे मान लेते हैं कि भाई यहां पर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का यहां पर केंद्र मान लेते हैं, ये इसका केंद्र है, यहाँ से इसकी ये रेडियस है इसकी जो है। अब मान लो कि एंटीना हम इसमें इतना ऊंचा लगाते हैं, ये इसमें एंटीना होता है, इस एंटीना की ऊंचाई इसमें h के बराबर है, और यहाँ से ये मान लो कि एंटीना यहाँ तक की दूरी कवर करता है, यहाँ तक की, तो ये जो इसकी दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी इसकी d कहलाती है, और इसको हम यहां से मिला दें तो फिर इसकी त्रिज्या आर के बराबर हो गई। तो ये ओ केंद्र इसका ओ मान लेते हैं, यहाँ पर ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये इसकी ए पॉइंट है और ये इसका ये बी पॉइंट है। तो ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, पाई बाई, क्योंकि ये जो रेखा होती है वो इस पर स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या पर, तो ये कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो मान लेते हैं, माना एंटीना ए बी की ऊंचाई इक्वल टू h,
पृथ्वी की त्रिज्या। एंटीना से पृथ्वी पर प्रसारण दूरी ये इक्वल टू डी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है ये ओ ए बी और ये पॉइंट सी मान लेते, तो बी सी ये इसकी प्रसारण दूरी है जो कि इसकी यहां पर यहां से यहां तक की दूरी के लगभग बराबर होती है, तो ये क्षैतिज दूरी होती है। इसमें एंटीना से अधिकतम कितनी दूरी तक हम प्रोग्राम को प्रसारित कर सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज ओ बी सी इसमें है आपका ओ बी इक्वल टू आर प्लस एच और बी सी इक्वल टू डी और ओ सी इसमें आर है इसकी ओ सी ये इक्वल टू आर, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर पाइथन उसको मैं लगा दें तो ये दूरी इसकी आर प्लस एच के बराबर है पूरी, तो है यहां से यहां तक, तो ये ओ बी ये आर प्लस एच बी सी कहाँ है आपका बी सी इक्वल टू डी, तो बी सी के स्थान पर डी स्क्वायर ओ सी के स्थान पर आपका आर, तो ये आर स्क्वायर इसको खोल देंगे ब्रैकेट को आर स्क्वायर टू आर एच प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें से ये जो आर स्क्वायर होगी इसे आर स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, अपने पास बचेगा टू आर एच प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। अब क्योंकि एंटीना की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य होती है क्योंकि h वेरी वेरी लेस देन r, इसलिए h स्क्वायर पद को छोड़ने तो अपने पास क्या रह जाए, इसलिए d स्क्वायर इक्वल टू टू आर एच और d इक्वल टू स्क्वायर होगा टू आर एच। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आर इसमें कॉन्स्टेंट है तो डी प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ एच। अतः प्रसारण दूरी एंटीना की ऊंचाई के वर्गमूल के समानुपाती होती है, इसका अर्थ है कि एंटीना जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतनी अधिक दूरी तक तरंगों का फैलाव हो सकता है, तो हमें अधिक दूरी तक फैलाने के लिए तरंग एंटीना को बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लगाया, जैसे किसी पहाड़ी है पहाड़ी के ऊपर हमने ऊपर एंटीना लगा दिया तो उसके द्वारा जो प्रसारण होता है वो काफी लंबी दूरी तक जा सकता है, तो इससे हम प्रसारण जो है सामान्यतः 800-900 किलोमीटर तक कर सकते हैं। तो यही कारण होता है कि अधिक प्रसारण के लिए एंटीना की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। अतः अधिक दूरी तक
प्रसारण के लिए एंटीना एंटीना की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। तो एक रिलेशन है ये प्रसारण दूरी और एंटीना की ऊंचाई। तो ये है आपका आकाश तरंग संचरण। अब मैं आपको बता रहा हूं व्योम तरंग संचरण जिसको हम स्पेस वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। वायुमंडल में आयन मंडल की ऊंचाई मंडल की पृथ्वी सतह से ऊंचाई साठ किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होती है। आयनमंडल द्वारा एक मेगा हर्ट्ज से 10 मेगा हर्ट्ज तक की विद्युत चुंबकीय तरंगों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किया जाता है। अतः आयनमंडल को आयनमंडल से परावर्तित परावर्तन द्वारा संचरण किया जा सकता है। तो अब इसमें जो आयन मंडल में आयंस होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं जो ही, और इनका जो घनत्व जो होता है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता है जो ही। आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है। तो एक क्रांति का अवधि एक निश्चित अवधि तक ही हम इनसे तरंगों का पूर्णांतरिक परावर्तन कर सकते हैं।
आए मंडल द्वारा एक निश्चित आवृत्ति तक की तरंगों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किया जा सकता है। इस आवृत्ति को क्रांतिक आवृत्ति कहते हैं। तो क्रांतिक आवृत्ति न्यू सी इज इक्वल टू 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन मैक्सिमम, जहां एन मैक्सिमम ये होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो क्रांतिक आवृत्ति न्यू सी इक्वल टू ये है लगभग 5 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व वेरिएबल होता है तो अधिकतम हम इसे जो परावर्तन कर सकते हैं वो 10 मेगाहर्ट्ज तक की तरंगों का ही परावर्तन कर सकते हैं। अगर तरंगों की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होती है तो ये तरंगें इस आयन मंडल से बाहर निकल जाती है। यदि तरंगों की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है तो वे आयन मंडल से आयन मंडल को भेद कर बाहर निकल जाती है। बाहर इसका मतलब यह है कि 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक की हम तरंगों को का पूर्णांतिक परावर्तन नहीं कर सकते हैं। हुई आयनमंडल से 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग का परावर्तन नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि भी हम केवल इतनी आवृत्ति तक की तरंगों का ही हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं। पांच मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक तो हम सामान्य कितनी करते हैं 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 10 मेगाहर्ट्ज तक की इसमें हम यूज करते हैं। तो
परावर्तन नहीं किया जा सकता है। वायुमंडल परावर्तक का कार्य करता है। वायुमंडल में तरंगों का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो इसमें किस तरीके से, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है, सपोज करो ये पृथ्वी है और यहां पर आपने एक एंटीना लगा दिया, ये एंटीना है और यहां पर ये आयन मंडल है, इसमें ये है आयन मंडल। तो यहां से तरंगें जाती हैं और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहां पर जो कोई भी एंटीना वगैरह होते हैं वो इसको प्राप्त कर लेता है इस तरीके से। इनका इसमें अपवर्तन नहीं होता, इसके अंदर तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहां से ये तरंग चलेगी इस तरीके से, ये पहुंचेगी। तो अलग अलग जगहों पर हम इसका प्रसारण कर सकते हैं। मान लो कि आपने यहाँ पर कोई एंटीना लगा दिया इस जगह पर और ये यहाँ पर लगा हुआ है ये, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश तरंगें जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वो यहाँ पहुँचती हैं। तो ऐसे क्या होती है कि ये तरंगें अलग अलग डिस्टेंस तक पहुँचाई जा सकती हैं। अब जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये क्षैतिज दूरी होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये इसको कहते हैं स्किप डिस्टेंस या छोड़ी गई दूरी। यहां से इसका परावर्तन होता है, ये पूरा आयन मंडल है। इसकी दूरी या छोड़ी गई दूरी, तो क्या है क्षैतिज दूरी होती है प्रेषित एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक की पृथ्वी सतह पर क्षैतिज दूरी को स्किप दूरी या छोड़ी गई दूरी डी कहते हैं। तो वायुमंडल होता है, इसके द्वारा जो तरंगों का प्रसार होता है वो काफी लंबी दूरी तक हो जाता है। लगभग ये 1500 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक हम इसका प्रसार कर सकते हैं दूरी। तो इस विधि में यही है कि बस तरंगों की अगर आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा होती है तो फिर हम उनका पूर्णांतिक परावर्तन इसके द्वारा नहीं होता है। तो इतने से कम आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं उनका पूर्णांतिक परावर्तन क्षैतिज ये आयनमंडल द्वारा किया जा सकता है। और फिर इसका जो प्रसारण होता है वो व्योम तरंग की विधि द्वारा
जो प्रसारण दूरी होती है उससे भी अधिक दूरी तक प्रसारण कर सकते हैं हम लोग। तो कुछ हजार किलोमीटर तक इसके द्वारा प्रसारण संभव है। इस विधि में दस मेगाहर्ट्ज 10^6 3 किलोमीटर लगभग 3000 किलोमीटर तक प्रसारण संभव है। तो इस तरह से जो इसमें एक में तो पहली वाली विधि में तो देखा आपने कि पृथ्वी के सारे सारे चरण चलती हैं, दूसरी के अंदर क्या होती है कि क्षोभमंडल से अपवर्तन होता है उसके द्वारा भी प्रसारण किया जा सकता है, संचरण किया जा सकता है, और तीसरा है आयन मंडल के द्वारा, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वेरिएबल होता है। जब आयन मंडल में हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, इसलिए जो सबसे ऊपर की परत होती है उसके द्वारा लगभग हम 10 मेगाहर्ट्ज तक की तरंगों का पूर्णांतिक परावर्तन कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक आवृत्ति होने पर हम इनका प्रसारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो अधिक आवृत्ति तरंग होने पर वो आयनमंडल को भेज जाती हैं और आयनमंडल से आर पार निकल जाती हैं, तो फिर उनके द्वारा प्रसारण संभव नहीं होता है। तो ये है तीन तरह की प्रसारण विधियाँ, लेकिन आजकल जो प्रसारण होता है वो इस तरीके से इन विधियों द्वारा नहीं होता है, और इसके लिए हम संचार वगैरह का प्रयोग करते हैं। आधुनिक संचरण विधि इसमें 10 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रयुक्त की जाती है जो आयनमंडल को भेद कर बाहर निकल जाती है। इसमें संचार उपग्रह द्वारा प्रसारण किया जाता है। जो पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है, यह भूस्थिर उपग्रह इसे भूस्थिर उपग्रह भी कहते हैं।
तो ये जो संचार व्यवस्था होती है, उपग्रह संचार व्यवस्था होती है, इसके द्वारा हम कई हजार किलोमीटर तक, मतलब हम क्या कि पूरे बर्ड को इसके द्वारा मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे बर्ड की इंफॉर्मेशन हम इससे ले सकते हैं। तो ये इस विधि से कई हजार किलोमीटर तक प्रसार किया जा सकता। तो जो उपग्रह होता है वो पृथ्वी से देखने में स्थिर प्रतीत होता है, इसलिए हम उसको विस्थिर उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है वो 24 घंटे होता है, तो उस उपग्रह का भी जो परिक्रमण काल होता है वो भी 24 घंटे होता है, तो दोनों का सेम होता है, इसलिए हमें उपग्रह हमेशा स्थिर प्रतीत होता है। अब वो इस उपग्रह के द्वारा पृथ्वी पे कहीं भी मतलब कोई भी घटना घटित होती है, तो हम उसको सीधा ही उसको देख सकते हैं, सीधा उसका प्रसारण किया जा सकता है। तो इस संपूर्ण व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था बनी हुई है, जो इस पूरी सिस्टम को कंट्रोल करती है, और उसके द्वारा ही विशेष परमिशन मिलने पर भी हम एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, फिर चौथे देश, तो अन्य कई देशों की सूचनाएं भी हम उससे कलेक्ट कर सकते हैं। और जो संचार उपग्रह होता है उसमें भी दो तरह के एंटीना होते हैं, एक ट्रांसमिट, एक रिसीवर होता है, दूसरा ट्रांसमिटर होता है। जो तरंगें यहाँ से भेजी जाती हैं, जो सूचनाएँ भेजी जाती हैं, तो उनकी उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं, तो वो वायुमंडल को पार करती हुई और उपग्रह तक पहुँचती हैं। वहाँ पर जो एंटीना होता है, जो अभिग्रह एंटीना होता है, वो उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो उसको एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाई करने के बाद फिर उनको ट्रांसमीटर द्वारा पृथ्वी पर वापस भेजता है। तो फिर वो तरंगें काफ़ी दूरी तक जा सकती है, वो लगभग पूरी पृथ्वी को ही वो सूचनाएं दे सकती है। तो ये विधि जो बहुत ही आधुनिक विधि है, जितने भी आजकल आप प्रोग्राम आप देखते, चाहे वो टीवी पर प्रोग्राम हो अथवा मोबाइल पर प्रोग्राम हो अथवा कंप्यूटर पर प्रोग्राम हो, तो वो सभी इस आधुनिक संचार विधि द्वारा ही संभव है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।